Hello guys! तो हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल जी आई नो स्वागत है वेलकम टू अमेरिकन देसी व्लॉग्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे शो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए और वीडियो एंड तक जरूर देखिए। करते हैं आज के नए व्लॉग की शुरुआत, लेके प्रभु के नाम बोलो जय सिया राम। तो आज संडे है इसलिए आज हम कहीं गए नहीं, आज बहुत लेजी संडे था तो आज सारा दिन घर पर रहे, कुछ ज़्यादा करने को था भी नहीं। मैं अपने ऊपर लिया, सुबह हमने शो शुरू किया तांडव, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, बहुत अच्छा शो है। पॉलिटिक्स के बारे में हमने अभी तक चार एपिसोड्स देख लिए हैं तो बहुत बढ़िया है। बट संडे कुछ किया नहीं, बाहर गए नहीं तो सोचा कि आज घर पे बैठ के ही वीडियो बनाते हैं। तो आज हम बात करेंगे थोड़ी लाइक बिना चिट चैट करेंगे इंडिया के बारे में, हमें कौन सी चीज़ें अच्छी लगती थी या अभी भी हम मिस करते हैं उन चीज़ों को। तो जतिन बताएंगे आपको पहले। तो इंडिया के बारे में हम बात करने लगे हैं कि पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि अमेरिका की यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, तो अब हम इस बारे में बात करेंगे कि इंडिया में हम क्या क्या चीज़ें मिस करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं मिस करता हूँ, जो बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, इंडिया का फूड। इंडिया का स्ट्रीट फूड मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंडिया जब भी मैं विज़िट करता हूँ तो पहले उतरते सार ही मैं ढाबे पर रुकते हैं और जितना हो सके मैं खाता हूँ। तो इंडिया में मतलब वेट गेन तो मेरा करते कर कर करके ही जाता हूँ, बट इट्स लाइक कि सबसे मेन थिंग जो मैं मिस करता हूँ वो इंडिया की यही होती है, मसाले। जो फास्ट फूड यहाँ पे भी मिलता है बट वो टेस्ट नहीं आता, जब आप रेडी पे जाओ बाजार में और आपके सामने बन रहे हैं, मिट्टी धूल पड़ रही है, पता है आपको गंध है, बट वो हमने खाना ही खाना है। वो इतना मिस करता हूँ ना मैं, क्या बताऊँ। तो अगर मेरे से पूछो तो मैं इंडिया में सबसे पहले अपनी फैमिली को मिस करती हूँ, फिर फूड हो गया। ऑफ कोर्स यहाँ पे फूड वैसे मिलता नहीं है जैसे इंडिया में, यहाँ पे है हमारे लाइक एक दो ही रेस्टोरेंट्स हैं इंडियन, पर वहाँ पे भी वो लाइक जितने जैसे बताया वो टेस्ट नहीं आता जैसे वो इंडियन टेस्ट होता है या यू नो स्ट्रीट फूड होता है, तो इसलिए वो चीज़ भी है। एंड देन लाइक यहाँ पे वैसा माहौल नहीं है जैसे तुम बाजार में चले जाओ या जैसे तुम्हें इंडिया में चीज़ें मिलती हैं, वो चीज़ें यहाँ पे वैसी नहीं मिलती। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स। अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको इतना महसूस नहीं होता कि यार ये नूडल मिल जाते, मंचूरियन मिल जाते, ये भी यहाँ से ले लो, वो भी वहाँ से ले लो। वंस यू कम हियर इट्स लाइक यू मिस इट सो मच, आई कांट इवन एक्सप्लेन इट। मैं यहाँ पे अब 14 ईयर्स हो गए मुझे, बट हर एक दिन बस वही सोचता रहता हूँ कि कहाँ से स्ट्रीट फूड जब जाएंगे, कहाँ से खाना और कहाँ से नहीं खाना। मेरे को तो इंडिया में सबसे अच्छा लगता है अपना राम शरणम, उसकी बहुत याद आती है मेरे को। जब भी थर्सडे होता है या संडे होता है वहाँ पे जब कीर्तन होता है तो मेरा मन बड़े उठता है कि मैं भी वहाँ पे जाऊँ, काश मैं भी वहाँ पे होती। हर समय मेरे को तो ना बस सत्संग ही रहती है, जब पिताजी के प्रवचन होते हैं, पिताजी लुधियाना में आते हैं, गुहाना का जो फंक्शन होता है, तो सब के लिए मेरा मन बहुत ही तड़पता है। मुझे तो बहुत ही इंडिया में सबसे ज़्यादा याद मुझे अपने राम शरणम की आती है, अपने गुरु महाराज अपने पिताजी से मिलने की बहुत चाह रहती है। दूसरा मेरी बड़ी बेटी जो इंडिया में है उसके लिए हम सब बहुत तड़पते हैं, काश वो भी हमारे पास होती, हमारी फैमिली कम्प्लीट होती। चलो मैंने तो अपने गुरु महाराज पर छोड़ा है, जब उनको अच्छा लगेगा वो ज़रूर लेके आएंगे। तो दूसरी थिंग मैं इंडिया की बहुत मिस करता हूँ वो है फेस्टिवल्स। इंडिया में इतने फेस्टिवल्स आते हैं मतलब पूछो ही ना, यहाँ पे भी फेस्टिवल्स होते हैं बट वो स्वाद नहीं ना होता जब इंडिया में। दिवाली पे जाओ या लोहड़ी पे जाओ, अभी लोहड़ी निकल के गई तो यहाँ पे पतंग नहीं उड़ाई, दिवाली पे यहाँ पे कहाँ पटाखे वगैरह चलते नहीं है, कोई फंक्शन हो तो हाँ चल पड़ते हैं, बट मन करता है कि दिवाली पे तो इंडिया में होना चाहिए। पटाखे बहुत चलाते होते थे हम, हमने रात को चढ़ जाना छत पे और पटाखों पे पटाखे चलाई जाने। तो ये भी बहुत मिस करता हूँ कि ये बहुत फ़न होता है कि फैमिली वगैरह टुगेदर होती है, सब आते हैं एक दूसरे के घर पे जाते हैं, प्रेजेंट्स भी लेके आते हैं, तो इट्स लाइक सारे बाजार में चहल पहल होती है तो मज़ा आ जाता है। वो चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलती, लाइक जैसे यू नो दिवाली का ही लगा लो, सामान ही नहीं पूरा मिलता, दिए भी इंडिया से ही। अब तो खैर थोड़े बहुत मिल जाते हैं लेकिन पहले वो भी नहीं मिलते थे। राइट। तो जैसे लास्ट टाइम मम्मी लेके आई थी दिए, तो वो चीज़ें भी होती हैं। फिर लोहड़ी पे भी हमें जिस जगह जाना पड़ा लाइक मूंगफली वगैरह के लिए भी ढूंढना पड़ा कि कहाँ से मिलेगी कहाँ से नहीं, वो चीज़ भी इंडिया में बहुत इजीली कन्वीनियंटली मिल जाती है। right. तो वो भी एक चीज़ है। इंडिया में खाने पीने की भी बड़ी मौज है, यहाँ चौपाटी पे चले जाओ, ग्वालियर के चौक पे चले जाओ, नेचुरल पे चले जाओ, इतनी जगह होती है कि इंसान थकता नहीं। बाहर यहाँ पे
यहाँ पे तो मतलब कुछ ही ना। So next मुझे मतलब ये होता है कि जैसे मैं इंडिया में जाऊँगी तो ऐसी कौन सी जगह जो मुझे विजिट करनी है, लाइक विजिट करना चाहती हूँ मैं, तो पहले आप ही मुझे बता दो। मेरा तो वही होगा कि जब भी इंडिया जाते हैं तो हम गोल्डन टेम्पल तो जाते ही जाते हैं। चिंतपूर्णी जाना, तो गोल्डन टेम्पल हमारा पक्का ही होता है, तो चिंतपूर्णी माता पे भी जाते जाते हैं, तो इन चीजों पे तो बनता ही है। मैं तो गुहाने भी जरूर जाती हूँ। गुहाने भी जाते हैं मम्मी, तो बाकी रिलेटिव्स के घर तो जाते ही जाते हैं, उनको तो विजिट करते हैं, वो भी आ जाते हैं और हम भी चले जाते हैं। बट आपके तो सारे फैमिली मोस्टली है लुधियाना में? हाँ, लुधियाना में हमारे पूरी मोस्टली फैमिली लुधियाना में ही है, तो आपको कहाँ जाना अच्छा लगता है? सेम या गोल्डन टेम्पल वगैरह, फैमिली के साथ जाना अच्छा होता है ना, कि फैमिली हो ही हो और सारे टुगेदर जा रहे हैं तो मजा आ जाता, मत्था टेक के भी तो मन खुश हो जाता सबका। सबसे एक्साइटिंग ये भी होता है जब तुम्हें टाइम मिलता था, तुम पहुंच गए इंडिया, उसके बाद तुम बाजार जाते हो, तो वो बहुत एक्साइटिंग लगता है, शॉपिंग करना, तो नहीं मुझे इतना शौक होता, बट यह बाजारों में घूमना, चाहे वो गाड़ी में हो, गाड़ी में मैं ज्यादा नहीं अच्छा लगता मुझे, बाइक्स वगैरह पे घूमना, ऑटो रिक्शा पे, इतनी देर हो गई ऑटो रिक्शा पे नहीं बैठे, बट पहले जाते होते थे तो फन होता था कि रिक्शा पे बैठना, सबको आवाजा मारते हुए जाना, और एक्टिवा चलानी, एक्टिवा तो मतलब पूछो ही ना, उड़ाते होते थे हम, तो वो चीजें बहुत मिस करते हैं, कि वहाँ पे घूमना, बाजारों में जाना, पूरी ऐश होती है इंडिया में। और बाजारों में वैसे भी स्कूटी वगैरह, बाइक वगैरह वो कन्वीनियंट रहती है, पर कार वगैरह में तुम जा भी नहीं सकते। राइट। तो जैसे मुझे इंडिया में शॉपिंग करने में ये होता है कि जब यहाँ पे कोई फेस्टिवल वगैरह होता है तो यू नो कपड़े ले लो, या कोई ट्रेडिशनल चीज हो गई, क्योंकि बाकी वेस्टर्न जीन्स टॉप सब ये सब यहाँ से मिल जाता है, बट जो हमारे ट्रेडिशनल कपड़े हैं वो सब वहाँ पे ही बेस्ट मिलते हैं। और जैसे करवा चौथ का फेस्ट आ गया, उसके लिए कुछ सामान चाहिए, वो पता कर लो, वो ले आओ या वो मंगवा लो, वो चीज़ें होती हैं। बाकी ये आइडिया जाओ तो यही चीज़ों पे एक्साइटमेंट होती है कि अच्छा यू नो ये चीज़ ले लो, वहाँ पे नहीं मिलेगी, तो इस चक्कर में बैग भर जाते हैं। तो इंडिया में मुझे एक चीज़ तो हम लेके आते ही आते हैं, वो है अगरबत्ती, धूप एंड अगरबत्ती। यहाँ पे इतना धूप नहीं मिलती यहाँ पे। हाँ, धूप यहाँ पे बहुत कम मिलती है। यार न्यूयॉर्क वाली साइड जाओ तो मे बी यू विल बी अवेलेबल, बट अगर आप यहाँ पे जाओ इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह पे तो अगरबत्ती के इतने फ्लेवर नहीं होते जितने इंडिया में होते। इंडिया में जो जाओ मतलब पूरा हम दो दो तीन तीन बॉक्सेस लेके ही आते हैं अगरबत्तियों के, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है जलाना। किसी के कोई घर पे भी आता तो इट्स लाइक स्मेल रियली फ्रेश, स्मेल रियली नाइस, तो इसलिए हम वो तो लेके आते ही आते हैं। यहाँ पे वो वैरायटी नहीं है जैसे इंडिया में होती है अगरबत्ती की, धूप तो मिलती बिल्कुल ही नहीं है। तो कई जगह पे ट्राई भी किया हमने, मेरे को तो सबसे अच्छा कन्विंस कराता है, यहाँ पे मेरे जैसे को गाड़ी आती नहीं, देखती रहती हूँ कोई आएगा तो लेके जाएगा, वहाँ जहाँ दिल किया चले गए, रिक्शा की, ऑटो किया, कैब को बुला लिया, सो दिया। मेरे को यहाँ पे किसी को बुलाना नहीं आता, मेरे लिए तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। मम्मी ओला को मिस करती है, ओला को। नहीं, हमें ड्राइवर्स भी वहाँ पे मिल जाते हैं इजीली। अगर तुम ड्राइवर को, यहाँ तो ड्राइवर भी नहीं है, यहाँ पे कैब का भी कोई सिस्टम इतना फेमस नहीं है, लाइक एवरीबॉडी हैव देयर ओन कार्स, सो वो चीज़ या वो मैं जब मैं भी नई नई आई थी तो मुझे भी बहुत डिफिकल्टी आई थी अंटिल आई हैड माय लाइसेंस। उससे पहले तो मुझे भी लगता था यार कहीं जाना है कैसे जाना है, हम देखते थे पापा लेके जाते थे। राइट। तो वो चीजें है यहाँ, वहाँ गाड़ी के बिना तो हैंडीकैप बन जाता है यहाँ पे मेरे जैसा, तो रिक्शा ऑटो होते ना यहाँ पे, तो मम्मी को तो रोज रिक्शा करवा देने जाओ घूमा वॉलमार्ट वगैरह में, बट यहाँ पे रिक्शा ऑटो अवेलेबल ही नहीं है कुछ, वो होता तो मतलब कुछ नहीं है, एक अपनी गाड़ी के सवाई मेरे को तो कुछ नजर नहीं आता, बाकी टैक्सी वगैरह ही है, टैक्सी कर सकते हो, बाकी वैसे आप एक दो जगह पे देखी है लोगों को स्कूटी चलाते, पर वो बहुत फनी लगती है, लाइक छोटी सी स्कूटी चलती नहीं है, लोग ऐसे देखते हैं कि ये दो बंदे बैठ जाए तो मतलब स्कूटी तो बंदा पैदल तो रुक के तेज जा सकता है। यहाँ पे ना वेदर भी इतना फेवरेबल नहीं होता जैसे कि तुम स्कूटी इतनी ठंड में स्कूटी वैसे ही नहीं चला सकते, पर मैंने देखी एक दो कम ही लोगों को चलाते देखा, तो वो है ही नहीं यहाँ पे ऑप्शन, तो कार है। और ऐसे लाइसेंस का भी देखो तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, लाइक तुम्हें टेस्ट देना पड़ता है। जो मौज इंडिया में है ना वो मेरे को तो यहाँ पे कुछ नहीं लगा।
तो गाइस ये सब चीज़ें थी जो हम रियली मिस करते हैं इंडिया के बारे में। आज हम वैसे बैठे हुए थे तो व्लॉग का मतलब बनानी भी थी, नहीं भी बनानी थी, कहीं गए नहीं बाहर, पूरा लेजी फील कर रहे थे। या इवन संडे तो आज कहीं गए नहीं, ठंड भी बहुत थी बाहर, तो हमने सोचा यार आज देखते हैं बनाते हैं ये नहीं बनाते। तो बैठे बैठे इस दिमाग में आइडिया क्या, चलो बातें करते हैं आप लोगों से, बताते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें मिस करते हैं इंडिया के बारे में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब फिर कभी शेयर करेंगे, बट बहुत मिस करते हैं वो उस इंडिया के बारे में। तो आज के लिए बस यही था। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर दबाइए। तो मिलते हैं। Also, I wanna say thank you to Pratham and Cyrus. दोनों ने इतना अच्छी वो वीडियो बनाई। हाँ जी, वो जो दूसरी आपने अभी पिछली ब्लॉग अगर नहीं देखी तो जरूर देखिए, और उसके एंड में जो छोटा बच्चा बोल रहे आपको लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए, दैट्स मदर नेफ्यू प्रथम। तो उनको बहुत बहुत थैंक यू प्रथम, थैंक यू सारस फॉर सपोर्टिंग मी। बट आप लोग भी अपना सपोर्ट देते रहिए और हम अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। Bye-bye!